हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन एंड ब्लॉग्स। आज की हमारी रेसिपी है डेट सिरप। डेट्स को हम एक नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज कर सकते हैं, तो अपनी डाइट को और हेल्दी बनाने के लिए हम चीनी की जगह डेट सिरप का यूज कर सकते हैं। चलिए डेट सिरप की रेसिपी बनाना सीख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे 500 ग्राम डेट्स लिए हैं। इसे पानी से हम भिगो के आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1-2 घंटे के लिए इसे भिगो के रख सकते हैं। आधा घंटे हो गए हैं, तो आधे घंटे बाद हम खजूर से इसके बीज निकाल लेंगे। अगर पानी में ये बहुत अच्छी तरह भीगा है तो हाथ से भी ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं इसके बीज। तो इस तरह से हम सारे बीज निकाल लेंगे। पैन में हम 1 लीटर पानी दे देंगे, साथ ही हम इसमें खजूर भी डाल देंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट बॉयल कर लेंगे। इसे लिड से ढक के हमें बॉयल करना है। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि खजूर पूरी तरह से गल चुके हैं, तो अब हम ओवन ऑफ कर देंगे और इसे लिड से ढक के ठंडा कर लेंगे। अब ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद एक बाउल में हम छलनी ले लेंगे, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगा लेंगे और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसमें पोर कर देंगे। इसके बाद हम नीचे से छलनी निकाल लेंगे और हाथ से हमें दबाते हुए खजूर से इसका जो पूरा रस है वो निकाल लेना है। ये देखिए, ये खजूर का पूरा पानी निकल चुका है, रस निकल चुका है, और जो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसे हमें फेंकना नहीं है। इसका यूज़ हम पैनकेक बनाने में या कोई भी स्वीट रेसिपी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब जो हमने खजूर का जो पानी निकाला था या रस जो निकाला था उसको हम बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके बिल्कुल गाढ़ा हमें इसे करना है। इसे बीच बीच में हमें स्टर करते रहना है और साइड में जो ये झाग है वाइट कलर का इसे हमें निकाल के फेंक देना है करछी की सहायता से। पंद्रह से 20 मिनट बॉयल करने के बाद देखिए इसका अमाउंट लगभग 1/3 हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। इसके बाद हम ओवन ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको ये सिरप और थिक चाहिए तो आप कुछ और मिनट इसे बॉयल कर सकते हो। इसके बाद हम इसे एक ग्लास जार में पोर कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक हो चुकी है और इसका कलर भी थोड़ा और डार्क हो चुका है। तो अगर मेरी ये डेट सिरप की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।